तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिन लोगों ने भी लाड़की योजना का फॉर्म भरा हुआ है और उनका फॉर्म पेंडिंग बता रहा है, अप्रूवल नहीं हुआ है, तो अप्रूवल कब होने वाला है और पहला हफ्ता किस दिन पड़ने वाला है, ये सारा कुछ आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है दोस्तों। और चैनल पर पहली मरतबा आया था सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों जिन लोगों ने भी लाड़की बहन योजना का फॉर्म भरा हुआ है उन सभी का फॉर्म जो अभी पेंडिंग दिखा रहा है वो 16 जुलाई को उसका रिजल्ट आ जाएगा कि आपका फॉर्म अप्रूवल हुआ है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब जिन लोगों का फॉर्म, जिन भी महिलाओं का फॉर्म अप्रूवल हो चुका है तो 16 तारीख के दिन दोस्तों दो लिस्ट लगेंगी, ठीक है। 16 तारीख के दिन दो लिस्ट लगने वाली है। जिन लोगों का फॉर्म अप्रूवल हो चुका है उनकी भी लिस्ट आएंगी और जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर जो भी त्रुटि आई है उनकी भी लिस्ट लगने वाली है। अब जिन महिलाओं का फॉर्म अप्रूवल हो चुका है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके खाते के अंदर 15 अगस्त को या फिर 19 अगस्त को, 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस है और 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो ये हो सकता है ये दो दिनों के अंदर 15 अगस्त या 19 अगस्त के दिन उनके बैंक अकाउंट में 1500 रुपये आ जाएंगे, ठीक है, जिनका फॉर्म अप्रूवल हो चुका है। अब रही बात उन महिलाओं की जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर कोई त्रुटि आई है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए है दोस्तों 1 अगस्त तक का मौका, ठीक है। 1 अगस्त तक उनको अपना जो भी त्रुटि आई है या फिर जो भी फॉर्म में उन्होंने मिस्टेक की है फॉर्म भरते वक्त, अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर या फिर पता हो गया या फिर IFSC कोड, बैंक के डिटेल, जो भी उन्होंने गलत भरी है उनको 1 तारीख तक उस फॉर्म को सही करके, करेक्शन करके उसके अंदर फिर से अपलोड करना होगा, फिर से वो फॉर्म सबमिट करना होगा, ठीक है। फिर से उनका फॉर्म पेंडिंग बताएगा और 1 तारीख के बाद फिर से एक लिस्ट लगेंगी, उस लिस्ट के अंदर वो बताएंगे कि जिनके फॉर्म अप्रूवल हुए हैं और किन के नहीं हुए हैं, ठीक है। अब जिनके भी फॉर्म अप्रूवल हो चुके हैं तो उनको भी वो पहले जो अप्रूवल हो चुके हैं और जो बाद के अप्रूवल हो चुके हैं वो दोनों की मिला के एक तो 15 अगस्त को या फिर 19 अगस्त को उनके बैंक अकाउंट में 1500 रुपये आ जाएंगे। अब उसके बाद 1 तारीख के बाद क्या ये स्कीम बंद हो जाएगी? नहीं दोस्तों, ये स्कीम कंटिन्यू होने वाली है। जो भी लोग रह जा रहे हैं या फिर जिनकी भी त्रुटि रह जा रही है वो स्कीम को कंटिन्यू करेंगे, इस जो योजना है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं और ये योजना बंद नहीं होने वाली है। ये उन्होंने बताया था कि लास्ट तारीख ये रहेंगी, अगस्त की रहेंगी, लेकिन नहीं दोस्तों, उन्होंने तारीख को आगे बढ़ा दिया है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर से जिन लोगों ने भी अगर इस योजना में, स्कीम में भाग नहीं लिया तो आप सब इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं, इस योजना का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। जो भी त्रुटि आ रही है, जो भी अपने फॉर्म में मिस्टेक कर रहे हैं वो सब सही से भरें, अच्छे से भरें, ठीक है। और ये योजना बनने होने वाली है, योजना कंटिन्यू रहने वाली है, ठीक है। जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है और उनका फॉर्म पेंडिंग दिखा रहा है तो 16 जुलाई तक वो इंतज़ार करें, ठीक है। 16 जुलाई के बाद उनका जो 17 जुलाई आ जाएगा तो वहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा या फिर कोई जो त्रुटि आई है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। अब त्रुटि को हम कैसे यहाँ पर करेक्शन करेंगे, तो इस ऐप के अंदर प्ले स्टोर पर आप जाइएगा, वहाँ से इसको अपडेट कर लीजिएगा, ये अपडेट आने वाला है और 2-4 दिन के अंदर ही वो एक नई वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं, वहाँ से भी फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, जो त्रुटि है उसको ख़त्म कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन के अंदर से भी इसकी त्रुटि का जो भी करेक्शन करना होगा हम करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जानकारी समझ में आ गई, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है।